प्रदोष व्रत का बहुत महत्व होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। जुलाई महीने का प्रदोष व्रत खत्म हो चुका है और अब शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि की बारी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महादेव को समर्पित है ये दिन। इस दिन मांग सकते हैं महादेव से वरदान और भर सकते हैं अपनी झोली, क्योंकि बहुत भोले हैं भोले भंडारी। भक्तों की एक पुकार पर पिघल जाते हैं वो। तो आपके लिए ये मौका बेहद खास है, जब आप सही विधान से पूजा व्रत कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। खास तौर पर पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि जाने बगैर इस दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है, और इस बार तो खास तौर पर तारीख को लेकर थोड़ी दुविधा बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि जुलाई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत है कब। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को शाम 8:44 पर शुरू होगी और 19 जुलाई को शाम 7:41 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत पर पूजा का मुहूर्त 19 जुलाई को 7:11 से लेकर 7:41 तक है, यानी जुलाई महीने का प्रदोष व्रत 19 जुलाई को है। इस दिन कुछ विशेष सामग्रियां ऐसी हैं जिसे पूजा में खास तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे सफेद चंदन, लाल या पीला गुलाल, अक्षत, कपूर, धूप बत्ती, घंटा, शंख, बेलपत्र, धागा, कलावा, फल, फूल, मिठाई, पंचमेवा, फूल माला, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, हवन सामग्री और माता पार्वती के श्रृंगार का सामान पूजन सामग्री में शामिल किया जाता है। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। धर्म के जानकारों के मुताबिक प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति या फोटो रखें। भगवान शिव को शमी के फूल, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को फूल माला अर्पित करें और माँ पार्वती का श्रृंगार करें। प्रदोष व्रत में महादेव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव को दही, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। ज्योतिष के अनुसार इस तरह सही विधान से प्रदोष व्रत रखने से जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि प्रदोष व्रत रखने से कुंडली के सारे दोष दूर होते हैं, साथ ही संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव की आराधना से जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर तरह की शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं, प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। अगर किसी वजह से विवाह नहीं हो रहा या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो वो जल्द दूर हो जाती हैं। मुकदमों और विवादों में सफलता मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।